तो आप लोगों का इस वीडियो पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप जीरो बैलेंस अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल जीरो सेविंग अकाउंट रहता है, माइंड सेविंग अकाउंट इसको कहते हैं। इसके साथ में आपको डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को पूरा आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आईसीआईसीआई बैंक एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक आप लिखेंगे तो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। आईसीआईसीआई मोबाइल बैंक एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद सिंपली यहां से आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। अब जब ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। अब बेसिकली जब आपका एप्लीकेशन यहां पर सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो यहां पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है, ओपन न्यू सेविंग अकाउंट इंस्टा सेवन माइंड। इसमें आप माइंड सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ओपन एन अकाउंट पर आप क्लिक करते हैं। अब आपको कोई सा भी ब्राउज़र इस पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप क्रोम को सेलेक्ट करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट ओपन। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक है। उसके बाद यहाँ पर एक आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है। आपके पैन कार्ड से आपकी डिटेल उठा लेगा। आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेट सेलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। उसके बाद यहाँ पर नीचे प्लस सिटी ऑफ बर्थ, आप कौन से सिटी में आपका जन्म हुआ वो आपको यहाँ पर डालना है। ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट, ऑक्यूपेशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जॉब करते हो जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन टाइप में सेलेक्ट कर लीजिए जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हो। सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनकम रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि एक साल में कितनी आपकी इनकम हो जाती है, 5 से 10 लाख के बीच में जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एजुकेशन में आप जितना 12th ग्रेजुएशन जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड पे ये नाम आएगा, वो यहाँ पर आपको प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर आप फादर्स नेम लिख दिए, यहाँ पर मदर का नेम लिख दीजिए। उस पर अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो इस पर टिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का रिलेशनशिप आपसे जो भी है फादर मदर वो और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप डेट ऑफ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाता है जो कि आधार कार्ड के हिसाब से ले लिया जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे दोनों पे टिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जो आपके आधार से केवाईसी हो चुकी है। इसमें आपके सारे डिटेल्स आ जाएगी, आपका एड्रेस और सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद एक बार चेक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब सिंपली जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दोनों पे एक्सपेक्ट पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको सबमिट पे क्लिक कर देना। जब आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको ई साइन करना होता है जो कि ऑनलाइन होता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आप तो NSDL ई साइन की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी इंटर करके आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ई साइन सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा आपके। देखिए डॉक्यूमेंट साइन इस तरीके से हमारे पेज पे, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली ये वीडियो कॉल के पेज पर आ जाएगा। तो आपको पैन कार्ड और एक वाइट पेपर लेके आपको उस पर सिग्नेचर करना है और 2 मिनट में आपकी वीडियो की KYC हो जाएगी। आपको ब्रांच में जाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, इसमें आपको जो है फंड भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं जीरो बैलेंस अकाउंट है, माइंड सेविंग अकाउंट है। ये वीडियो अगर आप हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपकी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कीजिए, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए चलिए।